की बात नहीं कर रहा मैं, श्रृंगार प्रसादन के लिए जा रहे हैं, श्रृंगार करवाने जा रहे हैं, श्रृंगार हम सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, रसों में जो श्रृंगार है उसकी बात करते हैं। रस राज कहा गया उसे श्रृंगार को, और श्रृंगार होता कब है, जब स्त्री हो और पुरुष हो। स्त्री पुरुष नहीं है तो कोई श्रृंगार नहीं है। मुश्किल ये हुई कि हमारे पिछले इतिहास में, भारतीय इतिहास में, सामाजिक इतिहास में आप देखिए तो जो हमारी समाज की व्यवस्था है उसमें स्त्री का स्थान क्या है। अब से 2000 साल पहले जाइए, अब बहुत ज्यादा पुराने की तो मैं बात करता नहीं, क्योंकि फिर वो सरस्वती को ले लेंगे, कोई लक्ष्मी को ले लेगा, कोई पार्वती को ले लेगा और कहेगा देखो कितना सम्मान है, पर वो इतिहास के पात्र तो है नहीं, इतिहास में तो कहीं है नहीं, वो हमारी कल्पना के पात्र। अब मैं ये भी नहीं कह सकता, आजकल ये भी कहना बड़ा कठिन है, तो मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, चाहे भक्ति काल हो, भक्ति काल ने भी, जिसे कि हम स्वर्ण युग कहते हैं, उस स्वर्ण युग में भी स्त्री को कोई बहुत सम्मान नहीं मिला। तीन चार धाराएं हैं, तीनों चारों धाराओं में स्त्री की स्थिति को जरा देखते हैं हम क्या रहती है। सूफियों में जाएं, निर्गुण धारा में आए, पहले सूफियों की बात करें। सूफी मान लीजिए जायसी को लेते हैं, तो पद्मावती, उस पद्मावती के लिए रत्नसेन दीवाने हैं, क्योंकि वो तोते ने आके बता दिया कि भाई उससे ज़्यादा सुंदरी तो कोई है ही नहीं। नागमती ने पूछ लिया गलती से, वो जब बात आगे बढ़ी तो रत्नसेन को पता लग गया कि भाई नागमती से सुंदरी तो और है, और बैठी हुई है कहीं, कहाँ है कि वो सिंगल द्वीप में है, सिंगलगढ़ में। तो उसके लिए दीवाने पागल, उस जमाने में बहुत जल्दी पागल होते थे, सुनने भर से पागल हो जाते। ऐसा संसार में अपने यहाँ तो नहीं दिखाई देता, ऐसा न जाने कौन कौन, कौन कौन सुंदर है, कौन कौन सुंदरी है, उसकी बात आप बता दें तो पागल होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाते। और उस होने में तोते के कहने से ही हो गई थी, और मजा है, तो चलो आदमी आदमी आके बताए तो समझ आता है। एक तोते ने बता दिया और हो गए दीवाने, चले गए था। 100,000 सैनिकों को इसी काम में रहते थे, सैनिक और किसी काम नहीं आते, लेके चल दिए, पहुंचे वहां, वहां जाके तय हुआ कि मंदिर में मिलेंगे, ये मंदिर बड़े काम आते रहे हैं हमेशा। प्रेम के लिए, प्रेम निवेदन के लिए, प्रेम दर्शन के लिए मंदिरों ने बड़ी हमारी मदद की है। तो तय था कि भाई तोते ही जाके बता देता था कि वो कहाँ मिलेंगे और तुम्हें कहाँ आना है, तो तय हो गया कि यहाँ आना है। अब इतने बजे तो उस वक्त होता नहीं था, घड़ियाँ थी नहीं, लेकिन फिर भी वो सूरज के हिसाब से कुछ बता देते थे कि भाई इस वक्त पहुँच जाना, तो पहुँच गया था। रत्नसेन तो योगी वेश में बैठे हुए हैं कि वो आएंगी, वो आती हैं, जैसे ही उन्हें वो निहारते हैं, निहारते ही बेहोश हो जाते हैं। ये एक और मसला था, सौंदर्य को देखते ही बेहोश हो जाना, ये उस जमाने में होता था। खैर, हम बात कर रहे हैं स्त्री के महत्व की। अब बात क्या चलती है, वो जो पद्मिनी है, क्योंकि वो सूफी काव्य है ना, वो सिर्फ कहानी भर नहीं है, उस कहानी के माध्यम से वो कुछ अपना दर्शन भी देना चाहते हैं। तो उस दर्शन में एक बात आती है कि वो जो पद्मिनी है, जब सरोवर के किनारे पहुंचती है, सरोवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकलाई, ओ नई घटा परी जग छाहा, ससिके शरण लीन जनु राह। सरोवर के किनारे, या वहां से लौट वोट रहे थे या जहां भी हो, सरोवर के किनारे पद्मिनी नहाने के लिए आई, और जाहिर है जब स्त्री नहाती है तो वो अपना जूड़ा वूड़ा खोल देती है। खोपा छोरी, खोपा छोड़ा, खोला, केस मुकलाई और केश मुक्त कर दिए,
पदवी नहीं थी, उसके बाल कोई 10-20-50-100 थोड़े थे, भरे हुए थे। अब वो एकदम से यूं उमड़ कर आए, खोपा चोर केस मुकलाई, तो कैसा लगा? ओ नहीं घटा, घटाएं उमड़ पड़े चारों तरफ। ओ नहीं घटा परी जग छाह, संसार भर में छाह जैसे महसूस हुई कि वाह क्या शीतलता है। मतलब उसको देखकर उन्हीं लोगों को जो वहां देख रहे होंगे उन्हीं को हुई होगी, संसार में तो काम तो परी जग छाह ससिके शरण लीन जनु राह। अब उपमान लाते थे उत्प्रेक्षा के जरिए, उन्होंने कहा कि शशि तो पद्मिनी का चेहरा गोरा गोरा और उस पे ये काले काले जो बाल हैं वो जब आ रहे हैं, तो हमेशा तो ये होता था कि वो जो चंद्रमा है उसको ग्रसने के लिए राहु जाता था, ग्रहण पड़ जाता था, लेकिन आज लग रहा है कि ये चारों तरफ से आ रहा है कि अरे मुझे बचा लो। शशि की शरण में आ रहा है, चंद्रमा की शरण में आ रहा है, वो जो इस तरह से आया ग्रस नहीं सकता था, वो आके यहीं रुक गया और कह रहा है, भीख मांग रहा है कि मुझे बचा लो वरना और लोग मार डालेंगे मुझे। तो ये एक कल्पना कवि की है, ठीक है। ये जो कल्पना है, अब ध्यान दीजिए इस बात पे आप, इस कल्पना में जायसी ये संकेत कर रहे हैं कि पद्मिनी जो इतनी सुंदरी है उसके सौंदर्य में अल्लाह का नूर झलकता है। अल्लाह का नूर, ये जो सौंदर्य का चित्रण है, ये सौंदर्य का चित्रण सामान्य स्त्री के सौंदर्य का चित्रण नहीं है। इसमें जो सुंदरता है वो सुंदरता वास्तव में पद्मिनी में अल्लाह की उपस्थिति को बताता है। उसके सौंदर्य में वो झलक मिलती है कि अल्लाह कैसा होगा, परम सौंदर्य ऐसा होगा जैसा इसमें है। ये बात कि अल्लाह का नूर दिखाई दे रहा है औरत में, उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। यहां नारी को नरक का द्वार कहा जाता हो, और एक आध साल से नहीं, सैकड़ों वर्षों से। उस वक्त एक स्त्री में सूफी काव्य परंपरा अल्लाह का नूर भी देख लेती है, तो स्त्री का एक सम्मान बढ़ता है, बढ़ता है सम्मान। पर उसके बाद फिर वो आती है और नागमती से वो चोटियां पकड़ पकड़ के झगड़ती है, वो सब चीजें हो जाती है, बाद में सती भी हो जाती है सब। अब वो अल्लाह का नूर वहीं तक रहा बस। अल्लाह कभी सती होता देखा है आपने? कभी नहीं होता। पद्मिनी भी सती हो जाती है, तो वो अल्लाह है नहीं, भगवान है नहीं, मगर उसके माध्यम से जायसी कम से कम अल्लाह का संकेत दे रहे हैं, तो स्त्री का सम्मान बढ़ता है। पुरुष के माध्यम से नहीं दे रहे, स्त्री के माध्यम से दे रहे हैं। इसका अर्थ है सूफी कवियों ने स्त्री को कुछ बेहतर स्थिति में देखने की कोशिश तो की, बाद में बात वहीं पहुंच जाती है, लेकिन देखने की कोशिश। दूसरी काव्यधारा निर्गुण की, ये संत काव्यधारा। संतों में तो आप जानते ही हैं कबीरदास सिरमौर हैं, और जब वो नारी की बात आती है तो एकदम क्रिटिकल हो जाते हैं। वो समझते हैं कि सबसे ज्यादा नारी जो है वो गिरी हुई है उनकी नजर में। कैसे? माया महा ठगिनी हम जानी, सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि माया जो है वो महान ठगिनी है। माया का मतलब माया नहीं है, माया को वो एक स्त्री में रूपांतरित करके देख रहे हैं। केशव के कमला हुए बैठी, विष्णु के यहां वो लक्ष्मी बन के बैठी हुई है, लक्ष्मी। शिव के भवन भवानी, और शंकर के यहाँ पार्वती बन के बैठी हुई है। अब आप सोचिए, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शंकर की पत्नी पार्वती, ये दोनों तो परम पूज्य रही हैं, और कबीर बेधड़क बोलते हैं कि माया है, किसी काम की नहीं है। ये कहना आसान नहीं था, और ये प्रामाणिक पद है। ध्यान दीजिए, कबीर की और तमाम रचनाओं के बारे में दुनिया भर के सवाल उठते हैं, आपने पाठ की शुद्धता का सवाल उठाया था, लेकिन हर टेक्स्ट में ये पद आपको जरूर मिलेगा। इसका अर्थ है कि कबीर इस पद के वास्तव में रचयिता रहे होंगे।
दूसरा सवाल फौरन खड़ा कर देते हैं विरोधी लोग कि भाई वो तो खुद को अपना सुहागिन बनाते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं स्त्री का अपमान कर रहे हैं। वो बैठ जाती है जाके और आए राजा राम भरतार इस प्रतीक्षा में कबीर अपने को सुहागिन स्त्री बना लेती है भक्ति के दौरान। और वो जो राजा राम है, राम वो नहीं दशरथ वाले, निर्गुण निराकार, वो जो राम है भरतार माने पति के रूप में, वो आए उसकी प्रतीक्षा में बैठी हुई है, यानी कबीर रूपी सुहागिन वो प्रतीक्षा में बैठी है कि आएंगे राजा राम भरतार, बस उस प्रतीक्षा में। तो लोग ये कहते हैं कि भाई वो तो औरतों का इतना सम्मान करते थे, बेशक जब वो अपने को पत्नी बना रहे हैं सुहागिन बना रहे हैं तो स्त्री का सम्मान भी करते, नजर तो आते ही हैं, लेकिन तब कहाँ चली गई थी वो सुहागिन स्त्री जब विष्णु को की लक्ष्मी को बुरा बोल रहे थे। लक्ष्मी क्या सुहागिन नहीं थी, पार्वती क्या सुहागिन नहीं थी। ये जो विरोधाभास है, ये जो विरोध है, बल्कि आप आभास न कहें, विरोध है ये बाकायदा कबीर के दर्शन का, उसे आप देखिए। तो इस तरह से जो बात वो कह रहे हैं उस अपनी ही बात को खंडित भी कर लेते हैं, यानी अपने को भी वो महान ठगिनी माया के रूप में कह रहे हैं जब सुहागिन बना रहे हैं, मतलब कबीरदास स्वयं भी ठगे, यही तो अर्थ हुआ इसका, और क्या हो सकता है। जो भी है ये दूसरी काव्य धारा रही, इसमें और सब संत कवि आ जाएंगे, लेकिन एक धारा संत कवियों की जो नानक वाली धारा है वो नहीं आती इसमें, उस पर ध्यान दीजिए। नानक ने हमारे पुरानी परंपरा में नारी नरकस्य द्वारम कहा गया, नारी नरक का द्वार है, और उनके बाद के किसी गुरु ने एक कवि ने बाकायदा कहा कि नारी स्वर्ग का द्वार है। वो अभी है नहीं मेरे पास पंक्ति, और ना मैं आपको बता देता, नारी स्वर्ग का द्वार है। उसी युग में जहाँ नारी को नरक का द्वार कहा जा रहा है, एक परंपरा सिखों की परंपरा ऐसी है जो स्त्री का बहुत सम्मान करती है, ये बात ध्यान देने की है। तो दूसरी ये धारा हो गई निर्गुण वाली, और तीसरी धारा जो सगुण धाराएं हैं उनमें राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा। राम में तुलसीदास को तो हम सब जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह, अब वो बार 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 वो ढोल गवार शूद्र पशु कहने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने स्त्री को किस रूप में देखा है। स्त्री का बहुत सम्मान करते हैं, सम्मान किस रूप में करते हैं, वो आज्ञाकारिणी है, जबान नहीं खोलती, पति या जो ससुराल का पक्ष है उसकी केयर करती है बहुत। सीता को हम देखते हैं, आगे राम है पीछे लक्ष्मण है, सैंडविच बन के जा रही है वन गमन में, दो मर्दों के बीच एक औरत, एक भी औरत संग नहीं भेजी तुलसीदास ने या किसी ने भी, तो भाई उनके संग कोई स्त्री भी होनी चाहिए, तो उनकी कोई परिचारिका या सहेली या कोई तो हो, कोई नहीं है, दो मर्द हैं, और ये आराम से चल रहा है और सब बड़ा, जब टीवी पे आता है तो हम कितने भक्तिभाव से देखते हैं, सीता बीच में है पीछे लक्ष्मण जी रक्षा कर रहे हैं आगे राम चल ही रहे। ये जो स्थितियाँ हैं इन स्थितियों पर भी विचार तो करना चाहिए हमें। खैर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुलसीदास हमारे काम के नहीं थे, तुलसीदास ने बहुत काम की बातें कही हैं, और उन काम की बातों में जो संयुक्त परिवार है उस संयुक्त परिवार के लिए न जाने क्या क्या उन्होंने गुण अनुभव हमारे सामने रखे हैं, तो वो उनका महत्व, मैं सिर्फ स्त्री के पक्ष से बात कर रहा हूँ, इसको कभी आप इस रूप में मत लीजिए कि ये कभी ही बेकार हो गए थे, ना मैं बात कर रहा हूँ रीतिकाल पर आने के लिए, और रीतिकाल माने श्रृंगार और श्रृंगार माने स्त्री और पुरुष, फिर वो कैसे नीचा हो गया उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो तुलसीदास हुए और उसके बाद सूरदास, सूरदास को आप देखिए, सूरदास कोई प्रबंध काव्य नहीं लिख रहे थे, पदों की रचना कर रहे थे प्रायः, उन पदों में स्त्री को स्वतंत्र करने की काल्पनिक कोशिश सूरसागर में मिलती है। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सब गोपियां बर्तन भाड़े पति की सेवा कर रही हैं या खाना बना रही हैं या बच्चा है गोद में तो उसे भी छोड़कर और दौड़ पड़ती हैं
कृष्ण आ गया करती हुई और कृष्ण की बांसुरी की टेर लगते ही वो चल पड़ती हैं, वहाँ पहुँच जाती हैं। और जब कृष्ण के पास पहुँच जाती हैं तो वहाँ पर फिर रास होता है, शरद ऋतु होती है तो रास होता है। इन जनरल भी वो इसी तरह दौड़ जाया करती थी। तो ये जो जबकि उनकी सबकी शादियां हो चुकी होती थी प्रायः, उसके बाद कृष्ण अगर आए हैं तो उनकी बांसुरी को सुनकर वो सब दौड़ पड़ती थी, दौड़ गई ठीक है, और वहां अब रास हो रहा है। रास में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा वो मंडलाकार एक नृत्य होता है, उस मंडलाकार नृत्य में हाथ पकड़े हुए और सब नाच रहे होते हैं गोल घेरे में, यही होता है ना, तो रास इसी को बोलते हैं। अब वो नाच रहे हैं गोपियां और कृष्ण, अब सबके हाथ तो कृष्ण पकड़ नहीं सकते, तो एक प्रकार से कहें आज की भाषा में वो अपने क्लोन्स बना लेते हैं, मतलब अपने प्रतिरूप तैयार कर लेते हैं, और हर गोपी के बाद एक कृष्ण, हर गोपी के बाद एक कृष्ण आ जाता है, और इस तरह से वो मंडलाकार रास नृत्य होता है। इस रास नृत्य में जो गौर करने की बात है, जहां मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, वो ये है, गोपी एक गोपी के इस तरफ भी कृष्ण है, इस तरफ भी कृष्ण है, क्योंकि वो अलग अलग, हर गोपी के बाद एक कृष्ण खड़ा है, लेकिन कृष्ण के इस तरफ भी नई गोपी है और उस तरफ भी नई गोपी है। पुरुष को अनेक स्त्रियों से प्रेम करने का अधिकार है, स्त्री को एक ही से प्रेम करना है। रास नृत्य के अंदर जो ये संदेश छिपा हुआ है, इस पर निगाह थोड़े जाती है, वो तो बस रास मंडलाकार देख के बड़ा मजा आता है, रास लीला करते हैं आजकल, उसे भी हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो जो बताया गया है कि वो कैसे कृष्ण ने अपने प्रतिरूप बनाई, वो प्रतिरूप ही नहीं है, उस प्रतिरूप के पीछे सामाजिक स्त्री पुरुष संबंधों की व्यवस्था भी है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा था। तो ये बात हुई। दूसरी बात, बांसुरी सुनी तो सारी गोपियां दौड़ पड़ती हैं, भाई गोप ग्वाल कहाँ चले गए सब, वो कोई नहीं जाता, रास नृत्य में कोई गोप ग्वाल रास करता नजर नहीं आएगा आपको, कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे, ये भी एक समस्या है। तो जो भी है, लेकिन सूरदास ने इतना बड़ा काम किया था कि उन्होंने इन गोपियों के बहाने, कृष्ण की रास लीला के बहाने, कल्पना लोक में स्त्री को मुक्त होने का अवसर दिया कि वो जिससे प्रेम करती है उससे प्रेम कर सकती है, लेकिन वो भक्ति काल था और इसलिए ये मुमकिन हो पाया क्योंकि कृष्ण विष्णु के अवतार थे, भगवान थे, और भगवान के प्रति प्रेम करना तो वैसे ही कोई समाज में अपराध नहीं माना जाता। मीरा, इसीलिए मीरा को आज भी कोई अपराध नहीं मानता, लेकिन जरा मीरा के घर जाके देखिए, उस राजघराने को देखिए जो उदयपुर में है, वहां उनसे बात कीजिए कि आपके यहाँ की तो मीरा, तो कहते हैं कि हमें कलंकित कर गई है, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते उसका, मीरा का खानदान नाम भी नहीं लेना चाहता, क्यों, क्योंकि उसने हमें बहुत बदनाम करवा दिया। क्या बदनाम करवा दिया, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, अरे राणा जी विष का प्याला भेज के मारेंगे तुम्हें, राजा है वो, एक सेकंड का काम है किसी को मरवाना, एक सेकंड का काम है, राजा महाराजाओं के लिए है क्या, वो भी लड़की, जरा सी लड़की 13-14-15 साल की, उसे मरवाने में कितनी देर लगे, वो प्याला भेजेंगे विष का, कोई भी जाके बोल दो और वो जाके मार के लाके पटक देता, ये रही महाराज आपकी मीरा पड़ी हुई है। तो ये सब क्या है, उनका कहना है कि ये हमारे खानदान को मीरा की वजह से बहुत बदनामी मिली है, जबकि सच्चाई ये है कि मीरा को भक्ति करने का अवसर हमारे खानदान ने ही दिया था, उसके साथ में जरूर, और ये सच बात है कि मीरा अकेली तो नहीं निकल पड़ी नाचती गाती हुई, उस जमाने में कहाँ निकलेगी जब आज नहीं कोई लड़की निकल सकती, उस जमाने में कैसे निकली होगी, तो उसके साथ जरूर कोई समूह होगा, स्त्रियों का भी समूह होगा, उसकी सहेलियों का भी समूह होगा,
उनके साथ ही वो गई होगी और बगैर खानदानी परमिशन के वो इस तरह नाचती फिरे और वृंदावन भी पहुंच जाए, कभी कहीं द्वारका पहुंच जाए, कभी कहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये कॉमन सेंस की बातें हैं कुछ। इसलिए उन मीरा के खानदानियों को बहुत शिकायत है, तो वो बोले हम तो मीरा की कोई तस्वीर मूर्ति कुछ नहीं यहाँ पे लगवाते। उदयपुर में भी एक मूर्ति लगी है बस मीरा की, वो भी सरकार ने लगवाई है एक चौराहे, बाकी और कहीं कुछ नहीं है। लेकिन वो उस मीरा को अब आप देखिए, ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन मीरा निकल पड़ती है, कैसे निकल पड़ती है, कृष्ण की एक मूर्ति को लेके, गोपाल की मूर्ति को लेके। अब ये गोपाल की मूर्ति को लेके निकलती है, क्या इसमें सेक्सुअलिटी नहीं आती? राधा की मूर्ति को लेके तो नहीं निकली, कृष्ण कन्हैया की मूर्ति को लेके निकली। तो मीरा कृष्ण से प्रेम करती है और वो प्रेम भले वैसे ना हो, कोई कृष्ण वास्तव में साक्षात सशरीर नहीं है, लेकिन उसने कल्पना में उसको बना लिया है और वो एक पुरुष है। उस पुरुष से वो मीरा प्रेम करती है, कल्पना में ही करती है, और कल्पना में करके ही वो अपने को तृप्त करती है। तो ये जो बात थी कि मीरा की जो क्रांति थी, क्रांति मैं इसलिए भी उसे बोलता हूँ क्योंकि मीरा सड़क पर नाचती गाती हुई जा रही है, ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा संगीत से भी संबंध है, इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे कि मीरा सड़कों पर, गलियों में, कूचों में, कुंजों में वो नाचती गाती हुई जा रही है। ये नाचना गाना किसका प्रतीक था? कोठों का। कोई भले घर की स्त्री उस जमाने में नाचती वाचती नहीं थी, कोठे वालियां, गणिकाएं, वेश्याएं, इनको माना जाता था कि ये नाचेंगी गाएंगी। मीरा तो उस खानदान की नहीं थी, उस परिकर की नहीं थी, वो उसके बावजूद नाचती गाती हुई गई है। एक स्त्री की स्वतंत्रता का ऐसा उद्घोष इससे पहले कभी नहीं मिलता। उसने सब कुछ झेलते हुए भी और नाचना गाना स्वीकार किया और भगवान के लिए नाच रही हूँ ये कहा। संगीत कला को भी उसने ऊपर उठा दिया। समाज की निगाह में जो कला गिर चुकी थी, गिरी हुई थी और बाद में भी काफी समय तक गिरी रही, अभी तक, अब से 100 वर्ष पहले तक बहुत गिरी रही, उस कला को भी मीरा ने ऊपर उठा दिया कि नाचना गाना क्या होता है, नाचने गाने का ये अर्थ ये भी है जो मीरा ने बताया। खैर, तो ये सब हो गया। भक्ति काल यहाँ पर जाकर हम उसका पटाक्षेप करते हैं। ये जो भक्ति काल है इसमें स्त्री की क्या दशा हो रही थी, आप लोगों से मैं ये सवाल करता हूँ। वो दशा स्त्री की कोई अच्छी दशा नहीं थी, जो संघर्ष कर रहे थे उन स्त्रियों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, उसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ी थी, तब जा करके वो थोड़ा बहुत कुछ कर पाए थे। पुरुषों ने थोड़ा बहुत उन्हें कंसेशन दिया, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया। भक्ति आंदोलन समाप्त हुआ क्योंकि भक्ति आंदोलन के जरिए लौकिक समस्याओं का समाधान तो होना नहीं था, इसलिए वो भक्ति आंदोलन समाप्त हुआ। आप कहें जी गरीबी कैसे जाएगी, तो भगवान की शरण में चला जा, सब तेरे संकट दूर हो जाएंगे। यही कहा जाता शरणागति भक्ति की सबसे उच्च अवस्था है, शरणागति। जब आप शरणागत हो जाएं भगवान के, सब छोड़ दें कि मेरे सारे दुख सुख सब तेरे हाथ है, छोड़ दें, उसके बाद आराम से आप बैठें, वो समस्याओं का समाधान करेगा। ये विश्वास सैकड़ों वर्षों तक जनता में चलता रहा, लेकिन वो होता कहाँ है पूरा? अगर ऐसा ही होता तो मंदिरों में इतनी लंबी लंबी लाइनें जो लगी रहती हैं ये और क्यों बढ़ जाती हैं हर साल? पुराने वालों की तो समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था, नई लाइन लगनी चाहिए थी ना, बरसों बरस वही लाइनें चलती रहती हैं, तो वहाँ भी नहीं हुआ। ये भक्ति काल में जब वो समाधान नहीं हुआ तो भ्रम को टूटना ही था, जाहिर है फिर कोई आंदोलन वांदोलन, जैसे ही आंदोलन के प्रति विश्वास उठ जाए तो आंदोलन समाप्त हो जाता है। ऐसा ही भक्ति आंदोलन के साथ हुआ। अब क्या करें,